तो कैसे हैं आप लोग? आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। और आज की जो वीडियो है ये पूरी फुल ऑन एडिटिंग होने वाली है, तो वीडियो को पूरा देखिएगा। एडिटिंग सीखनी है तो आपको जो सबसे इम्पॉर्टेंट ऐप है वो है Lightroom, उसको डाउनलोड करना है और अपने मोबाइल में प्ले स्टोर से आप डाउनलोड कर पाएंगे इसको। मैं जितनी वीडियो बना रहा हूँ सारी बना रहा हूँ Lightroom के फ्री वर्ज़न से, पेड वर्ज़न नहीं यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि हम अभी बिगनिंग कर रहे हैं इसकी एडिटिंग की, स्टार्टिंग कर रहे हैं। तो इसलिए तो सबसे पहले आपको अपना फ़ोटो को कर लेना है ओपन। मैंने अपना फ़ोटो ओपन कर लिया है Lightroom ऐप में, और Lightroom मेरे अकॉर्डिंग सबसे बेस्ट है मोबाइल फ़ोटो एडिटिंग के लिए, अगर आपको कलर में या फिर उसमें एडिटिंग चेंज करनी है। तो चलिए फ़ोटो को एडिट करना स्टार्ट करते हैं, स्टेप वाइज एडिट करेंगे। सबसे पहला स्टेप हम लाइट पर जाएंगे, तो लाइट आप चाहें तो यहाँ पे ऑटो मोड पे भी कर सकते हैं, यहाँ पे अपने आप फ़ोटो में जो चेंजेस आने वो आ जाएंगे, लेकिन वो आपको नहीं करना है क्योंकि आपको अपने अकॉर्डिंग करना है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, हम एक्सपोजर को हल्का सा इंक्रीज़ करेंगे ताकि फ़ोटो में जो चमक है वो आ जाए, लाइट आ जाए, लाइटनेस आ जाए। ये आ चुकी है। और कॉन्ट्रास्ट को हल्का सा कम कर लेते हैं, हाइलाइट्स को अपने अकॉर्डिंग हम सही करेंगे कि अगर हमें हाइलाइट्स को कवर अप करना है तो हाइलाइट्स को सही कर लेंगे। वाइट्स को हल्का बढ़ाते हैं, ब्लैक्स को हल्का कम करते हैं। और एक बात हमेशा देखिए कि आप अपनी फ़ोटो एडिटिंग जो है वो अपने अकॉर्डिंग कीजिए, किसी वीडियो के अकॉर्डिंग मत कीजिए, क्योंकि काफ़ी लोग अलग अलग तरह से बताते हैं कि आप ऐसा ही आप फ़ोटो में करिए, लेकिन आप वैसा फ़ोटो में मत करिए, क्योंकि आप फ़ोटो आपकी जिस हिसाब से उस हिसाब से आप एडिटिंग करिए तभी आपकी फ़ोटो अच्छी लगती है। तो ये देखिए हमने ग्रीन कलर को, ह्यू को जो थोड़ा कम किया है, सैचुरेशन को थोड़ा इंक्रीज़ किया है, तो फ़ोटो में जो ग्रीन पार्ट है उसमें चमक आने लगी है। और जो ब्लू पार्ट है, जो वाटर वाला पार्ट है, उसको हम चाहें तो यहाँ से कम ज़्यादा, अगर हम यहाँ से इसको करते हैं तो वाटर और ब्लू हो जाएगा, और ये वाला अगर कर देंगे तो टोटली वाटर में कलर आ जाएगा, ब्लूइश कलर आ जाएगा, पूरा वाटर डार्क ब्लू हो जाएगा। हम इसको हल्का सा कम कर देते हैं और खाली इतना रह देते हैं। अब जो चेयर है, चेयर में अगर हमें हल्का सा स्लाइट चेंज लाना है तो इसको भी हम कम ज़्यादा करते हैं, या फिर इसको ऐसे, आपको जिस हिसाब से सही लगे आप वैसे कर सकते हैं। अभी भी फ़ोटो बहुत गजब लग रही है, फ़ोटो में एडिटिंग अभी थोड़ी सी हुई है और बहुत अच्छी फ़ोटो बन गई है। और रेड में अभी हमें, हमारे पास रेड का ज़्यादा पार्ट नहीं है, तो इसलिए हम रेड का ल्यूमिनेंस केवल बढ़ाएंगे, बाकी इसमें कोई चेंज नहीं करेंगे। तो अब हम सैचुरेशन पे आ जाते हैं। जो सैचुरेशन होता है, सैचुरेशन बढ़ाने से आपकी फ़ोटो में चमक आती है। तो सैचुरेशन आपके कितना सैचुरेट करना है आपको फ़ोटो को, वो अपने हिसाब से आप हमेशा हैंडल करिए। जितनी ज़्यादा आप सैचुरेशन बढ़ाएंगे फ़ोटो में उतनी ज़्यादा चमक आ जाती है। और वाइब्रेंस को हल्का सा बढ़ा देते हैं हम लोग, आप चाहें तो अपने अकॉर्डिंग नीड के हिसाब से आप बढ़ा सकते हैं इसको। देखिए फ़ोटो काफ़ी कमाल की बन चुकी है, लाइट भी काफ़ी कमाल की हो चुकी है। और अब देखिए यहाँ पे अगर आपको, आपका फ़ोटो है पोर्ट्रेट मोड में है तो आप यहाँ पे टेक्सचर का या फिर विंटेज का यूज़ कर सकते हैं। विंटेज से क्या होता है, बॉर्डर्स पे डार्क आ जाता है, तो उससे फ़ोटो में जहाँ पे आपका फोकस करना है केवल वहीं पे आपके कलरिंग रहती है। और टेक्सचर क्लैरिटी हम बढ़ाते हैं हल्का सा फ़ोटो में ताकि क्लियर आ जाए फ़ोटो। डीएज हल्का सा एक दो पॉइंट कम कर देते हैं, अभी इनका हमें ज़्यादा यूज़ नहीं करना है। और अब शार्पनिंग की बात करें तो शार्पनिंग, आप ऐसा नहीं है कि आपको पूरा फ़ोटो शार्प टोटल कर देना, आपको हल्की हल्की शार्पनिंग बढ़ानी है, केवल हल्की शार्पनिंग, ताकि फ़ोटो के जो एज हैं, जो फ़ोटोज़ के ऑब्जेक्ट उनके एज में शार्पनिंग आ जाए। और रेडियस जो मतलब ब्लर पार्ट है उसका रेडियस के हिसाब से आपको हो जाएगा। नॉइज़ रिडक्शन हल्का सा बढ़ाएंगे आप, डिटेल भी 51 चले कर देते हैं। बाकी आपको फ़ोटो को छेड़नी नहीं, क्योंकि अगर आप ज़्यादा फ़ोटो में अंदर घुसने की कोशिश करते हैं तो फ़ोटो आपकी बेकार हो जाएगी, उसकी क्वालिटी चली जाएगी, जो क्वालिटी उसकी अभी है वो चली जाएगी, इसलिए हम केवल इतना एडिट कर रहे हैं। और फ़ोटो अगर आप पहले की देखें और अब देखें तो काफ़ी चेंज आ चुका है। ये देखिए फ़ोटो ऐसे पहले थी, बिफ़ोर अभी भी लिख के आ रहा है स्क्रीन में, बिफ़ोर फ़ोटो ऐसी थी और जब हमने एडिट कर लिया उसके बाद फ़ोटो ऐसी हो गई है, काफ़ी कमाल का चेंज आ गया है, काफ़ी मस्त फ़ोटो बन गई है। चलिए अब इसको हम सेव कर लेते हैं। ये हमने फ़ोटो कर लिया है सेव, और एक्सपोर्ट होने में थोड़ा टाइम लगता है। तब तक हम आपको एक बात बताना चाहते हैं कि अभी कुछ दिन बाद हमारे चैनल पे एक कॉन्टेस्ट होगा कि आपको जो फ़ोटोग्राफ़र, मतलब अपने आप को जो फ़ोटोग्राफ़र समझते हैं या
फ़ोटो एडिटर समझते हैं अच्छे खासे, जो जिनको लगता है कि वो कर सकते हैं, उनके लिए एक कॉन्टेस्ट होगा। उनको क्या करना है, अपने फ़ोटोज़ को हम लोग एक फ़ोटो आपको प्रोवाइड करेंगे, उस फ़ोटो को अलग अलग एंगल से अलग अलग जो फोटोग्राफर हैं वो एडिट करेंगे, अलग अलग एडिटर, फिर जिसका फ़ोटो एडिट सबसे कमाल की होगी उसको प्राइज़ भी मिलेगा। तो अभी ये थोड़ा टाइम लग जाएगा इस कॉन्टेस्ट को आने में, तब तक आपको क्या करना है, तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू।